अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी, हम नाश्ता वगैरह कर चुके हुए हैं, नाश्ता से फारिग हो चुके हुए हैं और यहाँ पे किचन भी मैंने क्लीन कर लिया हुआ है। तो कल से है जी जायम की स्कूलिंग स्टार्ट, मतलब इसके स्कूल रीओपन हो चुके हुए हैं। तो यहाँ पे जी तैयारी चल रही है जायम का बैग रेडी करने की। तो सबसे पहले मैं इसकी जो चीज़ें वगैरह वो सारी निकाल के रखती हूँ, फिर उसके बाद जाहिर है इसकी जो अपनी रीडेड बुक्स हैं वो मैं इसके बैग में रखूँगी। और जायम ये देखें जी, आज अपनी लास्ट जो है वोकेशंस जो लास्ट इंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए मेरे पास क्या चीज़ है। क्या चीज़ है ये? शावर लेके आया ऊपर से। तो चलें, हाँ तो यहाँ पे मैंने इसकी बुक्स वगैरह निकाली हैं, अभी देखते हैं जो ज़रूरत की, मतलब इसने स्कूल लेके जाने उन्हें एक साइड पे कर देते हैं, बाकी बुक्स एक साइड पे हैं। ये कौन सी है जी? ये इसकी रफ कॉपी है और ये भी, ये देखते हैं आप ये कौन सी है। ये भी इसकी बस। और यहाँ पे ये है इसकी उर्दू की, वो मैथ की, इंग्लिश, इंग्लिश की बुक और उर्दू की नोटबुक, मैथ्स, और ये हैं जी इसके नोट्स, और ये इसकी रफ कॉपी है, और ये है जी आई थिंक इसकी जो इस क्लास की डायरी है वो। हाँ जी, तो ये है जी इसकी डायरी। बैग इसका मैंने ऊपर वॉश करने के लिए, अभी इसको मैं डिप करके आई हूँ, उसे मैं वॉश कर लूँगी। बाकी इसका ये बैग जो है, इसमें जो चीज़ें हैं इसको खाली करके इसका वो वाला बैग रेडी करेंगे। फ़िलहाल मैं ये सारा सामान समेटती हूँ। और ये कह रहा जी मैंने डोरेमोन वाला नहीं, इसने बेंटन वाला बैग लेके जाना है। तो बाकी जो चीज़ें एक्स्ट्रा हैं वो मैं इस बैग में शिफ्ट करती हूँ। और इसके अलावा जो घर की क्लीनिंग है वो भी अभी थोड़ी बहुत करनी है, ज़्यादा तो नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत करने वाला है। ये जाहिम ने जो रात को ड्रेस चेंज किया था इधर रखा हुआ है। बस इसी तरह छोटे छोटे जो घर के काम हैं वो चलते ही रहते हैं। और आज वैसे भी संडे है, हस्बैंड भी घर होते हैं, जाहिम भी, तो काम जो है थोड़ा लेट हो जाता है। ज़ाहिर उठते लेट है, नाश्ता लेट होता है, इसके साथ साथ जो काम है वो भी लेट ही होता है। और यहाँ पे ये जो 14 अगस्त की हमने थोड़ी बहुत डेकोरेशन की थी, उसमें से कुछ बैलून्स फट गए हुए हैं, कुछ वैसे उनकी जो है हवा वगैरह निकल गई हुई है। और अब अजायम भी शावर लेगा, ये यहाँ से अपने खिलौने वगैरह समेटेगा। तो चलें जी, जो भी मेरी रूटीन होगी दिन भर की आपके साथ शेयर करूंगी। अभी फ़िलहाल मैं ये सोफ़ा क्लीन करती हूँ, आज मेरा इरादा है, काफ़ी दिन हो गए इनके कवर्स नहीं डाले, आज मैं इनका कवर डालूंगी, रूम थोड़ा सा फिर चेंज हो जाएगा। तो मैंने आपको पहले भी ये बात शेयर किया है कि मैं कवर्स जब वॉश करती हूँ फिर 1 वीक मैं इन पर नहीं उनको करती, ताकि 1 वीक में लुक थोड़ी चेंज आए, फिर नेक्स्ट वीक में लुक थोड़ी और चेंज हो जाए। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जी ये इसका कलर्स का काम है, थोड़ा सा ये कंप्लीट कर लेगा ड्राइंग बुक पे, और कुछ क्रियॉन्स कलर यूज़ करने हैं, कुछ पेंसिल्स कलर, यहाँ पे जी रैपर्स लगाने हैं। ये इतनी देर अपना ये कंप्लीट करेगा, उतनी देर मैं बाकी काम जो है वो उसके। टाइम को स्कूल का काम करवाने के बाद मैं आई हूँ छत के ऊपर। तो यहाँ पे देखें जी फूल कितने प्यारे हैं, काफ़ी दिनों के बाद आपसे इनको शेयर कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से फूल लगते हैं, और मोतिया भी आप देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे इसके फ्लावर्स हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पे वॉश करना है जायम का बैग और अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस करने हैं, वो मैं बाद में करती हूँ, पहले मुझे जायम का बैग वॉश करना है। नीचे जायम की दादू आई हैं, उनके लिए मैं चाय वगैरह बना के दे आई हूँ। और यहाँ पे जी मैं अब इसका बैग जो था वो टाइम का बैग जो है उसे मैंने अच्छे से वॉश कर दिया। ये देखें जी अब नीट हो चुका है काफ़ी ज़्यादा,
ये भी काफ़ी ज़्यादा रफ हो रहा था, तो ये मैंने अच्छे से वॉश कर लिया हुआ है। और मौसम देखें, बहुत बादल शादल भी आए हुए हैं और काफ़ी हब्स बहुत ज़्यादा है। तो बस अब चलते हैं नीचे, अरज़ाइम अभी शरारतें कर रहा है, देखें जरा। यहाँ पे जी ज़ाइम जो है अपने बाबा के साथ जा रहा है प्लेग्राउंड, तो मतलब ये हर वीकेंड हर संडे को जाते हैं और साथ में थोड़ी बहुत चीज़ लेके जाता है ताकि वहाँ पे करीब कोई शॉप वगैरह ना हो तो ज़ाहिर भूख वगैरह लगे तो ये खा लेता है। और देखें जी साथ में अपना टूल्स, गार्डन टूल भी साथ लेके जा रहा है, चले वहाँ के मिट्टी के साथ खेलूँगा, इंजॉय करूँगा। तो ये लोग अब ग्राउंड जा रहे हैं, तो मैं अब देखती हूँ कि मैंने इसके बाद जो था ज़ाहिर खाना बनाना था और भी छोटे मोटे काम है वो करूँगी। तो ये देखें जी यहाँ पे जी गेस्ट आए थे अभी, तो वो तो जा चुके हैं, उनकी मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि वो पसंद नहीं करते वीडियो बनाना, मेरे इन लाज में से थे। तो ये वही बर्तन है कुछ वॉश करने वाले, इन्हें वॉश करूँगी। ये ज़ाहिर बर्तन निकाले थे, इनको समेटना है, इनको समेटूँगी, रोटियाँ बनानी हैं। अभी हस्बैंड और ज़ाइम तो ग्राउंड से अभी वापस ही नहीं आए, और साथ में मैं यहाँ पे बना रही हूँ अंडे प्याज का सालन बना रही हूँ, क्योंकि जो एक दो सालन पहले भी पड़े हुए हैं, ज़ाहिर है कि सालन ज़्यादा हो जाता है तो फिर मौसम ऐसा है ख़राब जल्दी हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ा सा बस यहाँ पे अंडे प्याज का सालन बनाऊँगी। दूध मैंने बॉयल कर लिया हुआ है, इतना बड़ा आया हुआ है घर के अंदर लेकिन काबू ही नहीं आ रहा किसी तरह से, बड़ा तंग किया हुआ है उसने, हम परेशान है उसकी वजह से। और बाकी ये है कि रूम जो है क्लीन वगैरह कर दिया था, कवर आज भी नहीं मुझसे बिछाए गए और ना मैंने बिछाए हैं, मैंने कहा चलें कल मॉर्निंग में कवर बिछाऊंगी, क्योंकि वो हस्बैंड और ज़ाइम निकल गई हैं, मेरी मदर इन लॉ आई हुई थी वो गई हैं, और साथ ही फिर दूसरे गेस्ट आ गए हैं वो बैठे रहे हैं इधर। तो अब शाम हो चुकी है, बस बाकी सिर्फ अभी हमारा ये खाने का है काम, या ये बर्तन वॉश करूँगी, खाना बनाती हूँ पहले, साथ साथ बर्तन वॉश होंगे, साथ साथ हमारा जो है खाना वो बन जाएगा। आज बिल्कुल सिंपल सा हम जो है डिनर करेंगे, तो चलें जल्दी से बनाती हूँ खाना और साथ में इन बर्तनों को वॉश करके फिर मैंने इन सबको समेटना भी है, उसके बाद फिर रोटी बनाऊंगी। ज़ाइम और उसके पापा आ चुके हैं, ज़ाइम नहा के फ्रेश हो चुका है, ज़ाइम के पापा फ्रेश हो रहे हैं, ये सालन भी रेडी है, रोटी मैंने बना ली हुई है, अब जस्ट इनको खाना देंगे उसके बाद फिर देखती हूँ। यहाँ ये देखिए जो गेस्ट आए थे उनके लिए दही भले समोसे मंगवाए थे वो पड़े हुए हैं, तो चलें जी अंदर देखते हैं ज़ाइम क्या कर रहे हैं। अभी ज़ाइम ने घर आते ही सबसे पहले जो है समोसा खाया है, ये उसकी चटनी वैसे पड़ी, समोसा खाया, दही भले खाए हैं, अब ये खेल रहा है बैठ के। अभी बस आज तो ये फुल मिट्टी के साथ वहाँ पर खेल के आया था, तो इतना गंदे हो रहे थे बारिश के, अभी आके फ्रेश किया इसको, नहलाया है। अब जल्दी से मैंने भी रोटी बना लिया, मैं भी फ्रेश होंगी उसके बाद फिर रात का खाना। डिनर करने के बाद आज काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे, तो हाफ हाफ कप मैंने और हस्बैंड दोनों ने हमने चाय पी है, साथ साथ हम बस एलईडी देख रहे हैं, ज़ाइम बेसिकली कार्टून देख रहा है, उसके पास बैठ के हम चाय शाय पी रहे हैं और फिर उसके बाद बर्तन वॉश किए। और रात को सोते वक्त जी हम दूध वाली लस्सी पीते हैं, तो यहाँ पे लस्सी बना के लाई हूँ दूध वाली, ये हमने रूटीन में हमारी समर की रूटीन में हमने रात को सोते वक्त ना दूध वाली लस्सी पीनी होती है। तो चलें जी, वैसे भी इसकी तासीर ठंडी होती है, तो यहीं पे मैं करूँगी अपने व्लॉग को एंड। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।